नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में अब तक के सबसे ज्यादा बोनस देने वाले टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों इसका जो मैजिक है, ये जो 10 स्टॉक्स है ये इन्वेस्टर को एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 10 का 10 स्टॉक। तो ऐसे 10 स्टॉक के बारे में आप भी जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं जो कि काफी बोनस दिया है, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, एक 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का रिटर्न दिया है, 10,000-20,000 के इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों का रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानने के इच्छुक आप भी होंगे, क्योंकि एक दो तो आप भी जानते हैं कि विप्रो दिया है, इंफोसिस दिया है, लेकिन यहां आपको हम 10 के 10 स्टॉक बताने जा रहे हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। 10 स्टॉक्स और 10 स्टॉक्स कब कब बोनस दिया है, कब कब स्प्लिट दिया है, इसका डिटेल वीडियो हम लगातार चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको, सक्सेस प्लेस सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो टॉप 10 शेयर गिविंग बोनस शेयर, जो टॉप 10 बोनस शेयर गिव करने वाला जो कंपनीज है, मतलब कहे कंपनी, मतलब उस कंपनी का आप स्टॉक्स भी वहां पर सर्च कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहां हमने कंपनी का नाम लिखा है, फिर कंपनी के पास कितना रिजर्व है, कितना डेप्ट है, कब कब कितने टाइम्स बोनस दिया है और स्प्लिट कितना बार शेयर को किया है, किस फेस वैल्यू से किस फेस वैल्यू तक स्प्लिट किया है, तो सारा इंफॉर्मेशन यहां पर है। और फिर आपको हम इसका अलग अलग जो है डिटेल वीडियो भी बनाते रहते हैं, जैसे विप्रो हो गया तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो भी बनाते हैं कि कब कब बोनस दिया है, कितना डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड तो सोचिए इतना बार दिया है, ये सब कंपनी का आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कंपनी है वो है विप्रो। तो विप्रो के पास 55,000 करोड़ का कैश और रिजर्व है और 5,000 करोड़ का डेप्ट भी कंपनी के पास। 13 बार बोनस दी है कंपनी, देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार स्टॉक मार्केट में बोनस देने वाली कंपनी जो है वो है विप्रो। और स्टॉक को जो स्प्लिट किया है फेस वैल्यू 100 से 2 तक, तो समझ सकते हैं कितना टाइम्स ये कर दिया है अपने इन्वेस्टर के शेयर को, 13 टाइम्स बोनस दिया है। और 100 से 2 रुपये तक फेस वैल्यू इसका हुआ है, मतलब 50 टाइम्स तो आप इस शेयर को अपने स्प्लिट से ही कर दिया है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। अभी पी रेशियो इसका 15 का है, तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 13 बार बोनस और 100 से 2 रुपया तक फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है, तो 50 गुना तो ये अपने फेस वैल्यू के द्वारा कर दिया है। उसके बाद 13 बार बोनस दिया है, तो समझ सकते हैं ये आपके एक शेयर को 256,000 शेयर बना दिया है। समझ सकते हैं कितना बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट का फायदा हुआ है। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है ये। उसके बाद हम दूसरे शेयर की बात करते हैं, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ये भी देख सकते हैं 8 बार बोनस दिया है और इसका जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है 10 से 5, 10 to 5। और इसका जो देख सकते हैं रिजर्व है कंपनी के पास 73,000 करोड़ का और कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है और इसका पी रेशियो अभी 20 का है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी 8 बार बोनस दिया है। तो इससे ज़्यादा बोनस देने वाले में विप्रो है, L&T है और भी कई सारे शेयर हैं जो नीचे आपको मिल जाएंगे, मतलब 2-3 शेयर है जो इससे भी ज़्यादा, इन्फोसिस से ज़्यादा बार बोनस दिया है, स्टॉक स्प्लिट भी काफ़ी बार ज़्यादा हुआ है। उसके बाद है हमारा L&T, इसके पास 55,000 करोड़ का देखते हैं रिजर्व है, तो डेप्ट भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, 25,000 करोड़ का डेप्ट है। बोनस कंपनी 10 बार दिया है और स्प्लिट जो है फेस वैल्यू 100 से 2। तो ये कंपनी समझ सकते हैं कितनी ज्यादा, मतलब बोनस दी है अपने इन्वेस्टर के शेयर को, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बोनस शेयर से होता है कि आपका शेयर भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक तो शेयर आपका रिटर्न के रूप में मिल रहा है, दूसरा प्राइस में जो ग्रोथ होता है वो भी रिटर्न मिल रहा है। तो एक साथ दो दो रिटर्न आपको मिलता है, एक नंबर ऑफ बोनस, नंबर ऑफ बोनस देने से आपका नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई होते चला जाता है, उसके बाद आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी इंक्रीज होते जाता है। तो एक तरह से दोनों तरफ से आपको रिटर्न मिलता है, नंबर ऑफ शेयर भी इंक्रीज होता है और जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उस पर तो रिटर्न मिलता ही है। ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होने से ये होता है कि आप कभी भी कुछ शेयर उसमें बेच करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब सिर्फ प्राइस में ग्रोथ आपको मिलता है तो रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मिलेगा, क्योंकि अब जो प्राइस होता है बोनस शेयर स्प्लिट से वो उसी रेशियो में कम हो जाता है, तो वो प्राइस तो कम नहीं होगा। एक शेयर जो 1,000 रुपये का है वो 2 लाख भी जा सकता है अगर बिना स्प्लिट और बोनस के वो बढ़ता रहे, लेकिन वहाँ पर आप जो है शेयर को बेचने में कठिनाई होगा क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर कम है। अगर आप बेचते हैं तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी से
पूरा खत्म हो सकता है, लेकिन बोनस शेयर से आपका नंबर ऑफ शेयर काफी अधिक हो जाता है, जिससे आप प्रॉफिट बीच में बुक करने में आसानी होती है। तो ये बोनस के जो फायदे हैं वो धीरे धीरे हम आपको कवर करते चलेंगे आगे। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक्स है वो है ITC। ITC भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, देख सकते हैं 7 बार बोनस दिया है और स्प्लिट जो है इसका फेस वैल्यू 10 से 1, तो समझ सकते हैं कितना मतलब आपके शेयर को ये मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसका अभी देखते हैं पी रेशियो मात्र 15 का है, जबकि L&T का 18 का है, और इसके पास कोई डेप्ट भी नहीं है कंपनी के पास, और 58,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ITC इसका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, सिगरेट है, FMCG है, एग्रो प्रोडक्ट है, स्टेशनरी प्रोडक्ट है, होटल भी चलाती है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है, तो ये भी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो ये था चौथा स्टॉक। अब चलते हैं हम पांचवें स्टॉक्स पर। पांचवा शेयर हमारा है SCLTech। SCLTech को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये IT सेक्टर से ये रेगुलर बेसिस पर बोनस देती है। बोनस तो काफ़ी कम दिया है, 3 बार ही बोनस दिया है, फेस वैल्यू 4 से 2 स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोनस तो कम ही बार दिया है, लेकिन ये रेगुलर मतलब इंटरवल पर आपको 5 से 6 साल पर ये एक बार बोनस दे देती है, मतलब रेगुलर इंटरवल पर ये बोनस पे करने वाली कंपनी है। और इस कंपनी में आगे भी ग्रोथ की संभावना है कि आगे भी आपको बोनस दे सकते हैं, इसलिए भी हम इस लिस्ट में आप इसको शामिल किए हैं। जैसे इन्फोसिस हुआ, L&T हुआ, ये सब काफ़ी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, काफ़ी बेहतरीन है। ITC सारी की सारी कंपनियों जो आपको इस लिस्ट में दिखेगा वो सब काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, जो आगे भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसका देखते हैं पी रेशियो अभी कितना है, 18 का है, तो इन्फोसिस से थोड़ा सा ज़्यादा है। 38,000 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, डेप्ट बिल्कुल फ्री है, ये कंपनी डेप्ट कुछ भी नहीं है इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद अगला है करूर विद्या बैंक, देखते हैं ये भी कंपनी काफ़ी बार बोनस दी है, 5 बार बोनस, देखते हैं 5 बार बोनस और 10 से 2 फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है, तो समझ सकते हैं ये भी कितना नंबर ऑफ टाइम्स आपके शेयर को इंक्रीज कर दिया है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, और ये तो हमारा बैंक है तो बैंक के पास तो डेप्ट होगा ही, क्योंकि ये एक तरफ से लेती है और इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है वो बीच का अर्न करती है आपसे। ये मतलब आप जो डिपॉजिट किए जो इसके यहाँ इंटरेस्ट के लिए, वो रुपया लेता है आपसे, फिर ये लोन देती है, तो बीच का जो मार्जिन होता है वो अर्न करता है। जैसे आपको 7% इंटरेस्ट पे आप रुपया डिपॉजिट करते हैं, तो ये 11% 12% पे क्या करता है, लोन देती है, तो वह बीच का जो 3 से 4% मार्जिन होता है वो अर्न करती है। तो इसके पास डेप्ट तो होगा ही, और पी रेशियो अभी देखते हैं 11 का है और 6,262 का करोड़ का इतना का रिजर्व है कंपनी के पास, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर का है और रिजर्व काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगला है फार्मा सेक्टर से, मतलब अलग अलग सेक्टर से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी बार बोनस दिया, उसको मैंने चूज किया है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। ये देखते हैं 15,000 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, 1,000 का कंपनी के पास डेप्ट है, 4 बार बोनस दिया कंपनी, फेस वैल्यू 10 से 5 स्प्लिट किया है, पी रेशियो 22 का है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये, मतलब काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ये भी शेयर आप देखते हैं काफ़ी बेहतरीन है, 4 बार बोनस, 10 से 5 फेस वैल्यू स्प्लिट। उसके बाद देखते हैं अगला है हमारा जो फार्मा सेक्टर का सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली स्टॉक्स मतलब के हैं, तो वो है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा 3 बार बोनस दिया है, डॉक्टर रेड्डी 4 बार। तो आप कहेंगे सर फार्मा ज़्यादा कैसे है, तो यहाँ पर देख लीजिए फेस वैल्यू स्प्लिट 10 से डायरेक्ट 1 पे, मतलब आपके शेयर को 10 गुना। उसका फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ था 10 से 5, मतलब आपके शेयर को 2 गुना किया था, ये 10 गुना डायरेक्ट कर दिया अपने फेस वैल्यू से, और बोनस भी मात्र 1 बार कम दिया है, और बोनस का रेशियो भी इसका अच्छा खासा है, मतलब बोनस का रेशियो भी देखा जाता है कि किस रेशियो में बोनस दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। मतलब जो सन फार्मा है आपको देखते हैं 25,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 5,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, मतलब 6,000 करोड़ के आसपास कहिए, और 35 का पी है, तो पी काफ़ी महंगा है इस कंपनी का, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला है 9th नंबर पर हमारा रामको सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर से ये स्टॉक्स मैंने चूज किया है, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बोनस दिया है, मतलब देख सकते हैं फेस वैल्यू 100 से डायरेक्ट 1 पर, तो 100 गुना तो अपना ये स्प्लिट से ही कर दिया शेयर को। उसके बाद 3 बार बोनस दिया है कंपनी, और 4,900 का कंपनी के पास रिजर्व है, 2,632 का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, 25 का पी है, तो देखते हैं काफ़ी हर चीज़ बेहतरीन है कंपनी का, तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा देखना है, रिसर्च करना है कि ये कंपनी आगे भी परफॉर्म कर सकती है, क्या इसके प्रोडक्ट में उतना दम है कि 10 साल तक मार्केट में लीड कर सकता है। तो सारे पैरामीटर्स को आपको देखने हैं, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सारे पैरामीटर्स देखना है कंपनी का। सबसे पहला मैनेजमेंट देखना है, फिर उसका पिच
पीछे का परफॉर्मेंस देखना है और उसके बिजनेस आगे 10 साल तक ग्रोथ होगा, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो इन सारे पैरामीटर्स को आपको देखने हैं। उसके बाद दसवां है हमारा मानापुरम फाइनेंस। दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक्स काफ़ी बार बोनस दिया है, देख सकते हैं 3 बार बोनस, स्टॉक स्प्लिट हुआ 10-2, तो सारा चीज़ काफ़ी फेवर में आपके। ये तो फाइनेंस कंपनी है तो ये इसके ऊपर डेप्ट होगा ही, क्योंकि ये आपसे डिपॉजिट लेता है, उसी रुपये को लोन पे देता है, बीच का मार्जिन अर्न करती है, तो इसके पास जो रिजर्व है 7500 का, पी रेशियो मात्र 11 का है, तो काफ़ी सस्ते दामों पर आपको ये मिल रहा है। अगला है 11वां स्टॉक्स, कैस्ट्रॉल इंडिया। दोस्तों ये तो स्टॉक्स देख लीजिए, विप्रो के बाद दूसरा ये स्टॉक्स है जो 11 बार बोनस और स्प्लिट हुआ है 10-5 फेस वैल्यू, 11 बार बोनस दिया है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिले, तो ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का जो देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजर्व है 1750 करोड़ का और पी रेशियो 15 का है, और कंपनी का सबसे पॉजिटिव थिंग है कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में लीड करता है और डेप्ट कंपनी के ऊपर 0 है, तो हर चीज़ आपके फेवर है, डेप्ट भी 0, कंपनी का प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छा खासा पकड़ है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद अगला है हमारा, एक लास्ट में हमने एक जो है गवर्नमेंट सेक्टर से लिए हैं, तो देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक बीपीसीएल। बीपीसीएल जो हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर का है, देख सकते हैं 31,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर मतलब रिजर्व है कंपनी का और 43,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, तो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है कंपनी के ऊपर। और उसके बाद बोनस 5 बार दी है ये कंपनी, देखते हैं बोनस 5 बार, लेकिन स्प्लिट जो है फेस वैल्यू 1 बार भी नहीं हुआ है, पी रेशियो 31 का है, काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ये आप इसमें ग्रोथ बहुत कम देखने आपको मिलेगा। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए। ये गवर्नमेंट सेक्टर से एक काफ़ी बोनस देने वाला शेयर था, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, तो इसलिए मैंने आपको इस स्टॉक को कवर कर लिया, क्योंकि ये भी 5 बार बोनस दिया है, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। इससे भी ज़्यादा जो अलग अलग स्टॉक्स थे उसको मैं ले सकता था, लेकिन एक आपको हमने पीएसयू सेक्टर से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके एक कंपनी को शामिल किया इसमें। तो ये थे कुल 12 स्टॉक्स जो टॉप 12 स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बोनस दिया है इन्वेस्टर को, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, तो ये कंपनी अभी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन अब आगे आपको देगा या नहीं, क्योंकि अब जो हमारे जो पीएसयू स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह आपको नहीं देता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।